शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो नियोजित शिक्षकों के वेतन अपडेट को लेकर एक अलग ही प्रकार का वेतन अपडेट जारी हुआ है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये अलग प्रकार का अपडेट इसलिए है कि इस बार ये जो पेमेंट होने वाला है ये बैंकिंग माध्यम से नहीं होगा। इसका प्रूफ आप लोग देखेंगे। ये पेमेंट ई पेमेंट प्रिंट डिवाइस के माध्यम से होगा, जो PFMS के पोर्टल पे जारी किया जाएगा। तो चलिए इस न्यूज को समझते हैं। आपके सामने ये न्यूज का कटिंग पड़ा हुआ है, जो आज अर्थात 25 तारीख का है, आज पेपर से है। 2.62 लाख शिक्षकों के वेतन को 991 करोड़ जारी, पैसा तो जारी हो गया है। यहाँ न्यूज देखेंगे, समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक स्कूलों के 2.62 लाख शिक्षकों को एक माह के वेतन के लिए 991,32,98,945 रुपये जारी किया गया है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि PFMS के वेब पोर्टल से ई पेमेंट प्रिंट डिवाइस के माध्यम से राशि जारी करना है। जिला कार्यालय स्थापना को PFMS के वेब पोर्टल पर वेंडर के रूप में पंजीकृत कर शिक्षकों को वेतन मद के खाते में राशि जमा करना है। लाभुकों को भुगतान PFMS के वेब पोर्टल से जारी ई पेमेंट प्रिंट डिवाइस से करना है। किसी भी स्थिति में बैंकिंग माध्यम से भुगतान नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है। अब देखिए, ये पेमेंट तो होगा ईद से पहले, लेकिन कैसे हो रहा है ये देखना है। तो आगे मैं फिर वेतन को लेके हमेशा अपडेट देता रहूँगा, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुँचाया जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं। धन्यवाद।